सब्जेक्टिव शीट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर मैंने दिया अभी सॉल्व करने के लिए 3। बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। थीटा 90 माइनस थीटा दो केस हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ स्पीड कितनी है? 39.2, 39.2 दोनों की सेम है, पैराबोलिक पाथ है दोनों का। पहले केस में अगर हाइट मैक्सिमम एच है तो वो कह रहे दूसरे केस में हाइट 50 मीटर ज्यादा होगी एच से, तो हाइट क्या होगी? एच प्लस 50, राइट। तो यहां पर एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? 39.2 का स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यहां पर क्या है? एच प्लस 50 इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। चेंज हो गया एंगल। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे साफ दिख रहा है एक में कॉस स्क्वायर एक में साइन स्क्वायर किसी तरीके से ना ऐड हो जाए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हो जाए। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको और इसको। तो यहां से एच है, यहां से एच प्लस 50 है, यहां से ये और ये टर्म ऐड किया, ऐड करके ये कॉमन आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये 1 हो गई, सॉल्व करके एच आ गया। एक हाइट 14.2 है तो दूसरी हाइट 50 मीटर ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा? 64.2 मीटर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या दिया? अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल और 392 की स्पीड के साथ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2v sin थीटा / g। थीटा यहां पर क्या है? 60 डिग्री। वेलोसिटी पता है, g पता है, आंसर। फिर क्या निकालना है इसमें? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g, v की वैल्यू को पुट करो, आंसर, राइट। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या है? v स्क्वायर sin 2 थीटा / g। v की वैल्यू 392, थीटा की वैल्यू 60, sin ऑफ 120 या तो क्वाड्रेंट से सॉल्व कर लो या वैसे ही याद कर लो। cos 120 क्या होता है? माइनस हाफ। sin 120 क्या होता है? √3/2। आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th दिया, 6th दिया। 5th क्वेश्चन के अंदर ना करेक्शन कर लेना या 45 डिग्री करना। 5 डिग्री पे आंसर नहीं आएगा, 45 डिग्री करेक्शन है, 45 डिग्री। 6th क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ? फुटबॉल प्लेयर किक्स बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इनिशियल स्पीड ऑफ 20 एज्यूमिंग दैट बॉल ट्रेवल्स इन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन होता है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा वी साइन थीटा बाई जी, आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट रीच। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आंसर। फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज क्या होता है? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा को यहां पर क्या पुट करेंगे? 30, 2 इंटू 30 60, साइन 60 वैल्यू पुट करके आंसर। और लास्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट अगर एक सेकेंड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो बराबर है, 1 + 1 = 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 7th।
देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको क्या निकालना है, थीटा, जब क्या हो जाएगा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, रेंज क्या है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, साइन टू थीटा, वी स्क्वायर जी जी कैंसल, साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और साइन कैंसल, ये साइन है ये कॉस है, साइन बाय कॉस क्या है टैन, टैन थीटा फोर, तो थीटा इज टैन इनवर्स फोर। आप एक्सपेक्ट ना करना कि 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आएंगे, बट टैन इनवर्स फोर भी आएगा, कुछ भी आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है कैसे करना है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, नाइन्थ एट्थ आपका होमवर्क है, हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन है, विंडो वाला किया हुआ है, नाइन्थ होमवर्क है, टेंथ हाँ जी, कितने लोग का आया आंसर? अच्छा देखो कितने लोग, अच्छा एक चीज और समझ लो, इसके अंदर ये नजल स्पीड नहीं है, ये मजल स्पीड है, एम करो इसे, मजल। मजल का मतलब होता है निकलते ही, गोली चलते ही स्पीड क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि गोली ऐसे नहीं चलती कि मैंने किसी को गोली मारने की कोशिश की, मैंने कहा चल हैंड्स अप गोली मार रहा हूं, तो यू इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने कहा देख अब फिजिक्स लगाऊंगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, यू इक्वल टू वन टू थ्री फोर, अच्छा कहेगा मैं चलता हूँ, आप अपने एक्सेलरेशन करो मैं साइड पे, ऐसा नहीं होता। गोली कैसे चलती है, इंस्टेंट निकलती है 500 स्पीड के साथ,
इंस्टेंट 1000 की स्पीड, और फिर तो पता नहीं जब तक तो सोचता बंदा तब तक तो गोली पार हो जाती है। मदर स्पीड निकलते मिसाइल निकलती स्पीड कितनी देती है, तो इनिशियल स्पीड, तो मदर स्पीड वो स्पीड। अब इसमें बुलेट फायर्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर पे। अगर मैं 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को चलाऊं, 30 डिग्री पे इस प्रोजेक्टाइल को चलाऊं तो 3 किलोमीटर 3000 मीटर पर जाके हिट करती है। बात समझ में आती है? ठीक है जी। कह रहे क्या ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज ना करूं, वेलोसिटी सेम रखनी है। अगर मैं एंगल आप मर्जी का लें, जो मर्जी आप कहें, हाँ 45 डिग्री आप ओवर यही बोलेंगे, 45 डिग्री लूंगा ताकि रेंज मैक्सिमम है, तो क्या वो 5 किलोमीटर दूर हिट कर सकता है? ऐसा क्यों आप नाप क्यों बोला आपने? वैसे मन की फीलिंग अगर ये नहीं कर पाएगा कि मैथमेटिकली नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे लॉजिक क्या लगेगा, कैसे क्या करें? वी है स्पीड, पहले वाली की स्पीड भी नहीं चेंज करना, क्वेश्चन में वी नहीं चेंज करना, सिर्फ बाय चेंजिंग एंगल बोला उसने, तो वी दोनों केस में सेम है। तो क्या निकाल लूं जिसे चेक हो जाए? पहले वी निकाल दिया फर्स्ट केस से, फिर बोल तो सही रहा है वो, मैं समझ में क्या बोला ये, ठीक है ये बोल रहा है कि पहले केस से हम वी निकाल लेंगे, दूसरे केस में वो सेम वी यूज कर लेंगे और थीटा को 45 डिग्री रख लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम। ऐसे ही होगा, अगर वो मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा आ जाए फिर तो 5 किलोमीटर तक तो वो हिट हो ही सकता है, नहीं आई तो फिर नो कर देना। चेक करते हैं, तो केस नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 30 डिग्री पे प्रोजेक्शन करेंगे और रेंज क्या है 3000 मीटर, रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज के फॉर्मूले में 3000 मीटर, वी स्क्वायर पता नहीं, साइन ऑफ 2 × 30 60 डिग्री रूट 3/2, सॉल्व करके वी स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा यहाँ, वी स्क्वायर बाय जी, चाहो तो वी भी निकाल लो, जी को यहाँ 10 करके वी का अंडर रूट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट केस में वी स्क्वायर एज इट इज पुट कर देना है, अंडर रूट लेके कोई फायदा होगा नहीं। तो पहला केस क्लियर है, ठीक हो गया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में हमने इसे फेंकना है मैक्सिमम रेंज पे, चेक करें इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा को क्या करेंगे 45, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बाय जी, अब वी स्क्वायर भी जो अब निकाल दिया एज इट इज पुट कर दिया आपने, सॉल्व करके क्या आया 3464 मीटर, ज्यादा से ज्यादा ये प्रोजेक्टाइल 3464 मीटर तक जा सकती है बस, 5 किलोमीटर तक तो किसी भी हालत में जा नहीं सकती, तो आंसर नो होगा, ये हिट नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो, अब सपोज मैंने 5 किलोमीटर तक इसको लेके जाना है, तो मैं क्या चेंज करूं कि अब ये 5 किलोमीटर तक भी चली जाए? स्पीड, जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी ये जा नहीं पाएगी, एंगल एडजस्ट करने से बात नहीं बनने वाली। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, कैसे सोचना है आपने इसमें? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, ये होमवर्क है, ये सब होमवर्क है, बहुत क्वेश्चन कर लिया ऐसे हमने, ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वन हो जाए वो टू करेगा,
देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितनी है 100, तो वी स्क्वायर बाई जी फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज, तो वी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई 100 g, 10 पुट कर रूट 1000 करने की बात है, तो आंसर आ गया। केस नंबर टू, कॉम्पिटिशन चेंज हो गया, पहले कॉम्पिटिशन में रेंज मैक्सिमम चाहिए थी दूसरे और वी की वैल्यू तो आ ही गई, वो सेकेंड कॉम्पिटिशन में कह रहे हैं कि वी चेंज नहीं करना, आप एंगल चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस कॉम्पिटिशन में रेंज मैक्स नहीं चाहिए, मुझे हाइट मैक्स चाहिए, तो कोई ऐसे क्यों फेंकेगा, कोई ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंकेगा तो इससे ज्यादा हाइट तो नहीं आ सकती, इरिस्पेक्टिव की रेंज क्या होगी, रेंज चाहिए, जो हाथ में बॉल आ गया हमें कोई चक्कर नहीं, तो ऐसे केस में इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन थीटा को क्या पुट कर देंगे 90, तो 90 में क्या होगा, रेंज का कोई चक्कर नहीं, हाइट क्या आएगी अपने आप मैक्सिमम, इससे ऊपर तो क्या ही जाएगी, तो साइन 90 वन होता है, तो आंसर वी स्क्वायर बाय 2g। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां से, तो यहां पुट कर दें 100g हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2g, सॉल्व करके 50 जी है, जी 10 है, ठीक है यहां तक पॉइंट क्लियर है यहां तक, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स लगा लें, आप बॉल को इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंके ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या जाए 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh में हाइट निकालेंगे तो मेरा आंसर 50 मीटर ही आएगा, बात ही खत्म, ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, तो जो छत है किसी भी हॉल की वो 25 मीटर हाइट पर है, तो ये 25 मीटर हाइट है, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, वो चाह रहा है कि आप किसी बॉल को ऊपर फेंकें और बॉल को ऊपर फेंके क्या आ जाए वो सबसे दूर जाके गिरे, तो रेंज क्या चाहिए मैक्सिमम, आधे लोग क्या करेंगे थीटा उठा के 45 डिग्री, गलत नहीं करेंगे पर एक प्रॉब्लम है, उसने क्या कहा छत को बॉल टच ना करे, राइट छत को बॉल टच ना करे, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, अब छत को टच ना करे का मतलब क्या है, देखो अगर छत ना होती फिर तो चक्कर ही कोई नहीं था, फिर तो पक्का एंगल क्या होता 45, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन की ऊपर छत तो होती नहीं है 45 डिग्री बात ही खत्म है, छत है तो अब छत नीची हो सकती है, तो जब छत नीची है तो यहां से चले मैं चाहता हूं कि हाइट 24.9999999 हो ताकि टक्कर ना हो और ऐसे ये नीचे की तरफ आ जाए, राइट क्लियर है, अब ऑब्वियसली मैं 24.999 कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लूंगा हाइट 25, तो मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए 25 ताकि ये जाए उसके बाद ये नीचे उतर जाए और ऊपर ना जाए, बंद कमरा है तो इसमें मैक्सिमम हाइट थीटा तो पता नहीं क्या 45 ले नहीं सकते, वेलोसिटी पता है, रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है 25, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 25, तो वी की वैल्यू कितनी है 40, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया साइन थीटा, मेरे हिसाब से मैंने इसमें गिवन जरूर किया कि थीटा इज साइन इनवर्स की वैल्यू 33 पॉइंट्स, पर ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा मोर देन सफिशियंट है, बताता हूं क्यों, साइन थीटा आ गया इसको संभाल के रखो, एंगल नहीं निकालना मत निकालो कोई चक्कर नहीं तो भी आंसर आ जाएगा, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे तो रेंज निकालनी है और रेंज में जो एंगल पुट करना है वो 45 तो बिल्कुल नहीं पुट करना, तो रेंज का फॉर्मूला लगाया साइन 2 थीटा को क्या लिखा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लग गया फॉर्मूला, तो ऐसा लगाने की बजाय आप ऐसा करें तो यहां पर लिखे रेंज वी स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, लिख लिया साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0.5534 कुछ ऐसा, वी हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 40 का स्क्वायर, एक बात बताओ अगर एक ट्राइंगल में इमेजिन करो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी 0.5534/1, तो क्या आप ये साइड निकाल सकते हैं, अगर ये साइड आ गई तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, जो भी कॉस थीटा आएगा उसको उठा के यहां पुट करके आंसर आ जाएगा, डन, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है
तो फिर आपको हिंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हिंट बिल्कुल क्लियर है, साइन इनवर्स की वैल्यू 33.6 है, तो जैसे साइन थीटा इसके इक्वल है तो थीटा साइन इनवर्स है, तो आंसर क्या आएगा 33.6 इस रेंज। हाँ वो गिवन होगा इसमें, फिर ऐसा निकाल नहीं पाएंगे ना, तो गिवन देगा तभी होगा। तो 2 × 33.6 की वैल्यू भी साइन ये गिवन देगा 0.9218, पुट करके फिर आंसर आएगा। अगर गिवन है फिर तो आसान हो ही गया, बात ही खत्म है, और अगर गिवन नहीं है फिर लंबा तरीका है, फिर फंस जाएंगे। मेथड समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?